ऐसे ही इस प्रदेश की हालत इतनी बदतर हो गई कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के पास अपने एम्प्लॉइज को सैलरी और पेंशन देने के लिए ही फंड्स नहीं है। और लास्ट में हमारे एक्सपर्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि हिमाचल प्रदेश वापस अपने ट्रैक पर आ सके। हिमाचल प्रदेश की फाइनेंशियल कंडीशन को समझने के लिए एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, GSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर किसी भी स्टेट में बने हुए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की वैल्यू को GSDP कहा जाता है। GSDP में ईयरली इंक्रीमेंट को विकास दर के नाम से भी जाना जाता है। जितनी ज्यादा GSDP होगी उतनी ही ज्यादा किसी भी स्टेट के पास लोन लेने की कैपेसिटी होगी और उतना ही ज्यादा उसका रेवेन्यू होगा। चलिए अब मैं आपको मिलाता हूँ अपने एक्सपर्ट से, जिनसे जानेंगे कि क्या वे फॉरवर्ड है जिसके थ्रू हिमाचल प्रदेश वापस अपने ट्रैक पर आ सकता है। आगे की राह के लिए हमें काफ़ी सुधारों की ओर जाना होगा। केंद्र के नीति आयोग की तरह प्रदेश को भी एक थिंक टैंक की ज़रूरत है जिसमें गैर राजनीतिक लोग हों और एक नीति बनाई जा सकती है थ्रू डिस्कशंस और रिसर्च से भी, जो लोग ये सुझाए कि आगामी 2 सालों में 5 सालों में 10 सालों में, जैसे कि नीति आयोग करता है, कि प्रदेश को किस दिशा में जाना है और क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं, उसमें जितने से ज़्यादा हम धन खींच सके केंद्र से, वो बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर टाइमली स्टेट से प्रपोजल जाएंगे, केंद्र के विभिन्न जो मंत्रालय हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, वहाँ बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें धन का आवंटन होता है। स्टेट GDP जो है, यानी राज्य की जो आय है, उसको बढ़ाने पे जोर देना चाहिए। उसके लिए एक नीतिगत फैसले लेने होंगे कि किस तरह से राज्य में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में लोगों की इनकम बढ़े और ये सेक्टर ग्रो करे। सरकार को अब सरकारी जो क्षेत्र में जितने लोगों को एब्जॉर्ब किया जाता रहा बहुत सालों से एम्प्लॉयमेंट के लिए और लोगों की हाउस होल्ड इनकम बढ़ाने के लिए, क्योंकि बाकी दूसरे सेक्टर्स मौजूद नहीं थे, परंतु अब समय आ गया कि थोड़ा सा साइज जो है वो एम्प्लॉयज़ का, उसको थोड़ा कम किया जाए। और दूसरी तरफ जो सेवाओं का जो निष्पादन है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम है, उसको बेहतर किया जाए, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है और प्रोसीजरल जो आपके बहुत ज़्यादा जटिल प्रोसेस हैं काम करने के, डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट सर्विसेज प्राप्त करने के लिए, उसको थोड़ा सा सरल किया जाए, ट्रांसपेरेंट किया जाए। ये बातें तो बहुत सालों से हुई है, परंतु अभी भी बहुत सारे लूप होल्स हैं जिसमें लोग उलझ के रह जाते हैं, और शायद यही एक कारण भी है जहाँ पब्लिक का रिजेंटमेंट है गवर्नमेंट सर्विसेज की तरफ। तो ये सैलरीज और पेंशन के लिए भी दिक्कत खड़ी कर रहा है, और दूसरी तरफ जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसके लिए पैसा कम बच पाता है। एग्रो इंडस्ट्री जो है, हमारे छोटे छोटे हमारे जो फल है या सब्जियां हैं, उससे उस पर आधारित हमारे कुछ लघु उद्योग लग सकते हैं। और सरकारी क्षेत्र में अगर पैसे की कमी है तो एक PPP मॉडल जो है देश में विभिन्न सेक्टर्स में यूज़ हुआ है, जहां पैसा निजी क्षेत्र लगाता है और जिम्मेवारी जो है वो सरकार की होती है। सरकार उसमें अपने मानकों पे फैसिलिटेट करती है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को, इन्वेस्टर्स को। तो वो एक अच्छा मॉडल हिमाचल के लिए हो सकता है। मुफ्त की चीज़ें क्या है चुनावी वायदों में, वो मुफ्त की चीज़ें क्या होती है, और ज़रूरतमंदों को सहायता में क्या फ़र्क है, वो अगर समझा पाएँ तो बहुत ही अच्छा होगा।